इनके ऊपर मुकदमे लगाए हैं, पहले उनकी भी तो जांच पड़ताल कर लिया जाए, क्योंकि आप सब यहां बहुत परेशान हैं। पैसा लिया गया है छोटे छोटे बातों के लिए, बुनकरों के ऊपर जुल्म करने के लिए इन्होंने साजिशें रची थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की 8 टीमें कथित माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करने में नाकाम है। यूपी पुलिस की अलग अलग टीमें 8 राज्यों में जगह जगह छापे मार रही है, पर उसे अब्बास अंसारी का सुराग नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश के अलावा नई दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़ और गोवा में पुलिस की छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मऊ सीट से सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी से हथियार के लाइसेंस का ट्रांसफर करने का मामला दर्ज कर रखा है। इस मामले में अब्बास अंसारी कोर्ट की पेशी में नहीं आ रहे थे, उसके बाद लखनऊ की MP MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। इसके बाद अब्बास की तलाश में पुलिस ने लखनऊ के साथ ही गाजीपुर, मऊ और दिल्ली के 21 ठिकानों पर कई बार दबिश दी, लेकिन पुलिस को नाकामी ही हाथ लगी। DCP उत्तरी अनिल यादव ने पत्रकारों से कहा कि पिछले कुछ समय से अब्बास की लोकेशन देश के अलग अलग इलाकों से मिल रही थी, इसके बाद उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 8 टीमें बनाई गई। MP MLA कोर्ट ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर 10 अगस्त तक अदालत में पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक अब्बास अंसारी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अदालत ने उसके खिलाफ कई बार समन जारी किए हैं। कोर्ट ने 3 बार गिरफ्तारी का समय भी बढ़ाया है। अब्बास के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। इसके बाद भी अब्बास अब तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है। यूपी पुलिस ने अब्बास अंसारी के खिलाफ 2019 में मामला दर्ज किया था। अब्बास पर आरोप है कि उसने असलहे का लाइसेंस लिया था, जिसका दुरुपयोग करते हुए एक ही लाइसेंस पर कई हथियार खरीद लिए थे। 2012 में हासिल इस लाइसेंस को बिना NOC के ही दिल्ली ट्रांसफर करा लिया गया। इसके अलावा अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ में 2, मऊ में 4 और गाजीपुर में 1 मामला दर्ज है। अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को शस्त्र लाइसेंस को लेकर मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने धारा 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था, लेकिन मामला यह है कि अब्बास अंसारी अभी भी यूपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।